Yes, you are watching me and I'm with your class. Hello guys. Hello everyone. मानवीर जी वेलकम. आज क्लास लेट भी हुई बेटा और थोड़ा सा कुछ व्यवधान था, मैं कुछ एडजस्टमेंट कर रहा था. आज सब फाइनल हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है. बस आप ये बताएं कि मेरी आवाज़ पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं. अगर हाँ तो ठीक है, सब कुछ सही है. क्या मेरी आवाज आज तक पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल पहुंच रही है, बिल्कुल. यस यू कैन, यस आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं देख रहा हूं. आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि मैंने आज टॉपिक चेंज कर दिया है, क्योंकि पीपीटी तैयार नहीं थी मेरी. और आज थोड़ा सा देख रहे होंगे कुछ मैं ठीक से दिख भी नहीं रहा हूँ. एडजस्टमेंट थोड़ा भी और करना बाकी है, लेकिन काम आपका चल जाएगा, आपकी क्लास बाधित नहीं होगी. ठीक है जितेंद्र जी, मानवीर जी, स्वागत है आपका. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, एक्चुअली गुड इवनिंग हो चुका है. सानी जी, चंचल जी, ज्योति, मंजूर अहमद, हाँ सभी आ गए हैं. यस मैं भी आ गया हूँ. और जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक आपका चेंज है, मैं एडिट करवा दूंगा उसको, टॉपिक चेंज करवा दूंगा. लेकिन क्लास तो मैं लेना ही चाहता था, क्लास लेना जरूरी था. आप सब वेट कर रहे थे, इसलिए मैंने जैसे भी जिन स्थितियों में बन पाया मैंने क्लास शुरू कर दी है. और अब आगे आपको यही ध्यान रखना है कि क्लास जो है चलती रहेगी, सब कुछ सेट हो गया है यहाँ, एवरीथिंग इज ऑन. लेकिन बस यही है कि अभी उतना अच्छा नहीं बन पाया है जितना कि मैं वहां पे बनाया हुआ था बाराबंकी में. लेकिन हाँ, अगली क्लास जो रात 10 बजे की होगी उसमें मैं कोशिश करूंगा कि चीजें और थोड़ा सही हो जाए. अभी देख रहे होंगे मेरे पीछे व्हाइट नजर आ रहा है. ठीक है, ये सब एडजस्टमेंट हो जाएगा, आज शाम को हो जाएगा आफ्टर द क्लास, जब मैं क्लास छोड़ूंगा. तो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास. द क्लास इज ऑफ पोएट लॉरेट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड दैट इज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, फर्स्ट बैरन. ये थे टेनिसन जिनका नाम था, बाय जॉर्ज फ्रेडरिक. ये वॉट बनाई गई थी 1817 में 1904 के बीच में इनका जन्म और मृत्यु हुई. और इन्होंने ये आप देख पा रहे होंगे इनकी तस्वीर. आप पहले सब बताएं कि मेरी आवाज को प्रॉपरली पा रहे हैं कि नहीं. क्या कोई डिस्टरबेंस आ रहा है? कोई आवाज हो रही है इधर से उधर से? कोई शोर हरा आ रहा है तो हमें बताएं. बाकी सब मेरे ख्याल से तो ठीक चल रहा है, इधर से सब ठीक है. तो ये थे पोएट लॉरेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम. ऑफिस में ये रहे 19 नवंबर से, 19 नवंबर 1850 से 6 अक्टूबर 1892. मोनार्क उस समय राजा थे विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का शासन था. और प्रिसीडेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और सक्सीडेड बाय अल्फ्रेड आस्टिन. अल्फ्रेड आस्टिन के आगे थे और प्रिसीडेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इनके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट रहे. ठीक है, कोई टेंशन नहीं है आपको. आवाज मेरी पा पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं मुझे प्रॉपरली, सबका गुड इवनिंग मुझे मिल गया है. और अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो एक बार जरा लाइक करें और शेयर करें वीडियो, और फिर मैं शुरू करता हूँ. यस एवरीथिंग इज क्लियर, मानवीर गुज्जर ने कहा. ज्योति कुशवाहा, मंजूर अहमद, अभिषेक वर्मा, गुड इवनिंग बेटा सबको, सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग. तो चलें स्टार्ट करें. फर्स्ट पेज हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू यू एंड द सेकंड वुड इज द पर्सनल डिटेल ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन. इनका जन्म हुआ ऑन 6 अगस्त 1809 इन समर्स बाय लिंकन शायर. लिंकन शायर है ये, लिंकॉलन जो लिखा है ये लिंकन शायर है. इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था. ही वॉज बॉर्न इन टू द मिडिल क्लास फैमिली डिस्टिंग डिस्टेंटली डिसेंडेंट ऑफ जॉन सैवेज सेकेंड अर्ल. अर्ल थे ये रिवर्स के, अर्ल रिवर्स के. 6 अक्टूबर 1892 को 83 एज में इनकी डेथ हुई. लर्ज असल ससेक्स इंग्लैंड में इनको दफनाया गया, इनकी अंत्येष्टि की गई. चंदा जी गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, चलिए आफ्टरनून. रेस्टिंग प्लेस इनका वेस्टमिंस्टर एब्बे, जो पोएट्स कॉर्नर भी कहलाता है, वहां इनको रेस्ट किया गया पोएट कॉर्नर में. अल्फ्रेड टेनिसन, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ ठीक है.
पत्नी का नाम इनकी एमिली सेलवुड था। 1850 में इन्होंने शादी की उनसे। चिल्ड्रन इनके दो थे, इंक्लूडिंग हैलम टेनिसन और सेकंड बैरन टेनिसन नाम था उनका। अमामिटर इनका लास्ट स्कूल ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज था। डिग्री इनके पास कोई थी नहीं, ग्रेजुएट और पीजी इन्होंने किया नहीं था। ऑक्यूपेशन इनका पोएट लॉरेट था, यही इनका ऑक्यूपेशन था। 1850 से जब वर्सवर्थ ने त्यागा पद, तो वर्सवर्थ के बाद यही पोएट लॉरेट बने, 1892 तक रहे, और इसके बाद ऑस्टिन, इनके बाद ऑस्टिन आए। बिल्कुल चंदा, अभी शुरू हुई है क्लास, बस किसी स्थितियों में आप देख रहे होंगे मुझे, मैं अच्छे से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट आज थोड़ा सा मैं नहीं अरेंजमेंट कर पाया अभी, बस मुझे किसी तरह क्लास लेनी थी तो मैंने सोचा क्लास आज खत्म करते हैं और फिर जो है मैं सारे अरेंजमेंट्स करता हूँ, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था करता हूँ और सब कुछ, एवरीथिंग विल बी गुड एंड ऑन द ऑन। ओके आगे बढ़े। आर्म्स ऑफ टेनिसन, ये है गर्ल्स अ बेंड न्यूबली और थियोरॉन, अ चैपलेट वर्ड बिटवीन थ्री लिपॉर्ड्स फेसेस जेसेंट डी लेज ऑफ द सेकंड। ये तीन लिपॉर्ड आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, एक ये है लिपॉर्ड और एक ये है और एक ये आर्म्स है, आर्म्स ऑफ टेनिसन है। बिल्कुल अभी शुरू हुई है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात कर रहे हैं हम, जो पोएट लॉरेट थे इंग्लैंड के। 1850 में इनको पोएट लॉरेट बनाया गया, बाद में वर्सवर्थ की डेथ के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ विलियम वर्सवर्थ। जनरल इंफॉर्मेशन इनके बारे में देखें तो अल्फ्रेड टेनिसन फर्स्ट बैरन थे, फर्स्ट बैरन टेनिसन इनको कहा जाता था। एफआरएस का मतलब है फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, ये एफआरएस इनको मिलती थी, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी थे, वॉज अ ब्रिटिश पोएट, और ये इंग्लैंड के ब्रिटिश पोएट थे, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल जहाँ रहते हैं ब्रिटिश। ही वॉज द पोएट लॉरेट ड्यूरिंग मच ऑफ द, ये मच नहीं है, मच ऑफ द क्वीन विक्टोरिया रेन, मच का मतलब यहाँ है अधिकतर, इनका अधिकतर समय क्वीन विक्टोरिया के शासन काल में रहा, रेन का मतलब शासन काल है। एंड रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रिटिश पोएट्स, और ये ब्रिटिश के सबसे मशहूर पोएट्स में से एक रहे। इन 1829 टेनिसन वॉज अवार्डेड द चांसलर्स गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रिज, वन ऑफ द फर्स्ट पीसेस टिम्बकटू, फॉर द टिम्बकटू ही वॉज अवार्डेड, माइंड इट, ही वॉज अवार्डेड फॉर टिम्बकटू, और गोल्ड मेडल वॉज अवार्डेड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ही वॉज नॉट एबल टू गेट द डिग्री और पीजी फॉर द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, बट ही वॉज अवार्डेड द गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वन ऑफ दिस बेस्ट फर्स्ट पीसेस, जो इनके फर्स्ट पीसेस जिन्होंने वर्क लिखा था टिम्बक टू उनमें से एक था और उसी के लिए इनको गोल्ड मेडल दिया गया। ठीक है, बीएसएनएल का नेट है, ठीक चल रहा है, कोई कोई कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, इच एंड एवरीथिंग इज गुड। ओके, ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट सोलो कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएम्स चीफली लिरिकल, ये नाम था इनके सोलो करेक्टर, सोलो पोएम के कलेक्शन का ये नाम था, पोएम्स चीफली लिरिकल इन 1830, 1830 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोएम्स चीफली लिरिकल, पोएम्स चीफली लिरिकल ये नाम था उस कलेक्शन का जो सोलो कलेक्शन था, और इनको इन्होंने 1830 में पब्लिश किया। कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई टेंशन है, चलें आगे बढ़े। क्लैरिबुल एंड मैरिना, मैरियाना कह सकते हैं, और विच रिमेन्स सम ऑफ टेनिसन मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम्स वर इंक्लूडेड इन दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में जो इनकी सबसे ज्यादा मास्टरपीस कहे जाते हैं क्लैरिबल और मैरियाना, ये दोनों पॉइंट्स इसी का हिस्सा थी, क्लैरिबल और मैरियाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिमेन्स सम ऑफ द टेनिसन मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम्स वर इंक्लूडेड इन दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में शामिल की गई थी, उसमें थी ये। ऑल्दो डिस्क्राइब्ड बाय सम क्रिटिक्स, डिस्क्राइब्ड की गई, आलोचना की गई थोड़ा सा
इनकी पोएम्स की आलोचना की गई कुछ क्रिटिक्स के द्वारा। एज ओवरली सेंटिमेंटल हिज वर्स सून प्रूव्ड पॉपुलर एंड ब्रॉट टेनिसन टू द अटेंशन ऑफ द वेल नोन राइटर्स ऑफ द डे इंक्लूडिंग सैमुअल टेलर कॉलराइज एस टी कॉलराइज। यू नो दैट टेनिसन्स अर्ली पोएट्री विद इट्स मिडिवलिज्म मध्ययुग एंड पावरफुल विजुअल इमेजरी वॉज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द प्री रैफलेट ब्रदरहुड। आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जब मैंने मूवमेंट्स पढ़ाई थी तो आपको पढ़ाया था प्री रैफलाइट ब्रदरहुड। ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे, पावरफुल इमेजरी का यूज किया मिडिवलिज्म में, और अर्ली पोएट्री जो इनकी थी उसकी ये क्वालिटीज है। टेनिसन्स अर्ली पोएट्री विद इट्स मिडिवलिज्म मध्ययुगीन एंड पावरफुल विजुअल इमेजरी, और विजुअल इमेजरी बहुत खतरनाक तरीके से ये इमेजरी करते थे, इमेजिन करते थे चीजों को। वॉज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, पर इनका बहुत ज्यादा भरोसा था, इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था। जनरल इंफॉर्मेशन पार्ट टू में हम देखें तो टेनिसन आल्सो एक्सेल्ड एट पेनिंग शॉर्ट लिरिक्स। टेनिसन ने एक्सेल्ड, बहुत महारत हासिल की एट पेनिंग शॉर्ट लिरिक्स सच एज ब्रैक ब्रैक ब्रैक, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, टीयर्स आइडियल टीयर्स एंड क्रॉसिंग द बार आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स ऑफ द दिस पर्टिकुलर पोएट एंड दैट इज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। क्रॉसिंग द बार इज द वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, क्रॉसिंग द बार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, यू ऑल गाइज नो दैट। द नेम ऑफ दिस पोएम हैज बीन फेमस फॉर द एजेस। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, दिस वन इज द वेरी पॉपुलर एंड यू ऑल गाइज हैव मस्ट हैव लर्न्ड इट इन योर ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड, हर जगह पे ब्रेक 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 मिलती है। ट्वेल्थ फर्स्ट ईयर नाइन्थ टेंथ किसी न किसी कोर्स में ये जरूर मैंने पढ़ी है, उसको पढ़ाया भी है। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, टीयर्स आइडियल टीयर्स एंड क्रॉसिंग द बार, क्रॉसिंग द बार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, यू मस्ट लर्न द नेम ऑफ दिस पोएम, मस्ट बी आस्क्ड। मच ऑफ हिज वर्क्स वाज बेस्ड ऑन क्लासिकल मैथोलॉजिकल थीम्स सच एज यूलिसिस। यूलिसिस यू ऑल नो दैट द नेम ऑफ यूलिसिस, यूलिसिस द वंडरर। ऑल्दो इन मेमोरियम ए एच एच आर्थर हेनरी हॉलम, आपको याद है आज जिक्र आया था इसका मॉर्निंग की क्लास में, जब मैं टेस्ट करवा रहा था, पेपर करवा रहा था, टेस्ट पेपर करवा रहा था, तब आपने देखा था इसका नाम आया था, हेनरी हॉलम, आर्थर हेनरी हॉलम। वॉज रिटन टू कमेमोरेट हिज फ्रेंड आर्थर हॉलम, ये लिखी गई थी इसीलिए। अंकिता जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? चंदा जी क्लास का मजा लीजिए, किन्हीं कंडीशंस में थोड़ा सा आज बहुत बढ़िया लाइट नहीं है, आप बहुत अच्छे से मुझे देख नहीं पा रहे होंगे, चेहरा थोड़ा सा, अरे ये तो गली में निकलते हैं तो चीखते हैं भाई, ऐसे कैसे चलेगा। अ फेलो पोएट एंड स्टूडेंट एट ट्रिनिटी कॉलेज, आपको ये पता है ये इनके रिलेटिव भी थे और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में इनके फेलो थे, और पोएट तो ये थे ही, बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो जाने से ये बहुत दुखी थे, और फिर उनके दुख में इन द मेमोरियम जिसको विक्टोरिया ने कई बार पढ़ा था, ये इतनी शानदार थी कि क्वीन विक्टोरिया ने इसको कई बार पढ़ा। इन द मेमोरियम ए एच एच वॉज रिटन टू कमेमोरेट, कमेमोरेट का मतलब प्रशंसा करना होता है, याद करना, याद में गीत गाना। हिज फ्रेंड आर्थर हैलम हेनरी, बीच में लगाएंगे तब ए एच एच बनेगा। अ फेलो पोएट एंड स्टूडेंट एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, आफ्टर ही डाइड ऑफ अ स्ट्रोक एट एज ऑफ 22, 22 वर्ष की उम्र में ए एच एच की मृत्यु हो गई, और ये बहुत दुखी हुए उनके बिछोर से, और फिर उन्होंने इन मेमोरियम लिखा। टेनिसन ऑल्सो रोट सम नोटेबल ब्लैंक वर्स इंक्लूडिंग आइडल्स ऑफ द किंग, यूलिसिस, टिथोनस
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा, आइडल्स ऑफ द किंग, यूलिसिस, बहुत शानदार पोएम, ब्रेक ब्रेक और यूलिसिस, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, और टिथोनस भी बहुत बार पूछी गई है पीजीटी में खासतौर से। ड्यूरिंग हिज करियर टेनिसन अटेम्प्ट ड्रामा, इन्होंने ड्रामा लिखने का भी अपने करियर में प्रयास किया, बट ही इज प्लेड प्लेज इंजॉयड लिटिल सक्सेस, लेकिन बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए, ये थोड़ी सी सक्सेस को एंजॉय कर पाए, बहुत मजा नहीं आया इनको। सूदिंग बाम थी क्वीन विक्टोरिया के लिए, बिल्कुल सूदिंग बाम की तरह क्वीन विक्टोरिया के लिए काम करती थी। इन मेमोरियम, यस, अ नंबर ऑफ फ्रेजेस फ्रॉम टेनिसन्स वर्क हैव बिकम कॉमन प्लेसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज में, बहुत जनरली यूज किए जाने लगे जो ये फ्रेजेस यूज करते थे, इंक्लूडिंग नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ, इन मेमोरियम में है ये, और ये बहुत फेमस थी, नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ, टूथ मैंने दांत, क्लॉ मैंने जबड़े, इन मेमोरियम AHH, टिस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल, इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट, प्यार करें और खो दें उसको ये अच्छा है, देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल, कभी प्यार ना मिले इससे अच्छा तो ये है कि प्यार करें और खो जाएं और मर जाएं, ठीक है ना। तो ये पॉपुलर फ्रेजेस हैं जो बहुत फेमस हुए, देयर्स नॉट टू रीजन व्हाई, देयर्स बट टू डू एंड डाई, देयर्स नॉट टू रीजन व्हाई, कर नहीं कोई क्यों, देयर्स देयर सही है, देयर्स बट टू डू एंड डाई, माई स्ट्रेंथ इज एज स्ट्रेंथ ऑफ 10 बिकॉज ऑफ माई हार्ट इज प्योर, ये वो फ्रेजेस हैं, ये पॉपुलर फ्रेजेस हैं, इनको बहुत जरूरी, आप एक लिस्ट बना लीजिएगा और लिस्ट के जरिए इनको याद करने की कोशिश करिएगा, बस पहचानना है कि दिस पर्टिकुलर फ्रेज रिटन बाय, कंपोज बाय, बिलोंग टू, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, सीक करने के लिए प्रयास करें, स्ट्राइव टू फाइंड पाने के लिए, एंड नॉट टू यील्ड झुकने के लिए नहीं, नॉलेज कम्स बट विजडम लिंगर्स, नॉलेज तो आता है लेकिन विजडम ठहरा रहता है, बुद्धिमानी हमारी परमानेंट होती है और वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में रहती है। द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, याद है ना आपको वो पोएम, आर्थर किंग आर्थर और सर वेडिवर, ये पोएम आपने 12th में पढ़ी है, किंग एडवर्ड एल्बर्ट, सही है। प्रमिला जी गुड इवनिंग, वेरी गुड, तो बहुत सारे लोग जुड़ गए, बढ़िया है, एक बार लाइक करें और एक बार शेयर भी करें, अभी लाइक्स नहीं आए हैं, लाइक्स भी आने चाहिए और शेयर भी आने चाहिए, अभी आज मुझे बहुत अच्छे से आप देख नहीं पा रहे होंगे मुझे लग रहा है, लेकिन ठीक है, हमारे बच्चे तो मुझे जानते हैं मैं कैसा दिखता हूँ। ही इज द 9th मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वोटेड राइटर इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस में इनको 9th मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वोटेड राइटर कहा गया, 9वां नंबर था इनका, नंबर 9 था इनका, क्लियर है यहां तक, ओके लेट्स गो अहेड। टेनिसन वाज बोर्न ऑन 6 अगस्त 1809 इन समरबाई, इनका जन्म हुआ था समरबाई में, समर्स बाय, लिंकन शायर इंग्लैंड में, ये ध्यान रखना आप, लिंकन शायर इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ही वाज बोर्न इनटू द मिडिल क्लास फैमिली डिस्टेंटली डिसेंडेड फ्रॉम द जॉन सेवर्स सेकंड अर्ल रिवर एंड इलस्ट्रेशन बाय WEF ब्रिटन शोइंग समर्स बाय रेक्टरी, ये जगह का नाम है समर्स बाय रेक्टरी, वेयर टेनिसन वाज रेज्ड एंड बिगेन राइटिंग, जहां टेनिसन ने जन्म लिया और वहीं उनका पालन पोषण हुआ और यहीं इन्होंने लिखना शुरू किया, लेखन कार्य शुरू किया। उनके फादर का नाम जॉर्ज क्लेटन टेनिसन था, जो 1778 से 1831 तक रहे, वॉज एन एंग्लिकन क्लैरिगी मैन, ये एक पादरी थे चर्च के, चर्च में ये पादरी थे, हु सर्व्ड एज रेक्टर ऑफ समर्स बाय, जो रेक्टर ऑफ समर्स बाय में, समर्स बाय में रेक्टर के पद पर रहे 1807 से 1831 इनकी मृत्यु तक,
आल्सो रेक्टर ऑफ बेनीवर्थ भी रहे इनके पिताजी 1802 से 31 तक, एंड बैग एंडरबाई एंड विकार ऑफ ग्रिस्मी में भी ये 1815 में रहे। ये कुछ अर्ली लाइफ की जनरल इंफॉर्मेशन है इनके बारे में। ओके थैंक यू चंदा। ही रेज्ड अ लार्ज फैमिली एंड वाज अ मैन ऑफ सुपीरियर एबिलिटीज एंड वैरिड अटेनमेंट्स। इनके बहुत सारी प्राप्तियां थी, अटेनमेंट्स वैरिड थे, इनकी इच्छा इनकी चाह भरती ही नहीं थी। हु ट्राइड हिज हैंड विद फेयर सक्सेस इन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में इन्होंने अपने अपने आप को आजमाया, पेंटिंग्स में, म्यूजिक एंड पोएट्री में। ही वॉज कंफर्टेबली वेल ऑफ फॉर अ कंट्री क्लर्गीमैन एंड हिज श्रूड मनी मैनेजमेंट इनेबल्ड द फैमिली टू स्पेंड समर्स एट मेबलथ्रॉप स्किग्नेस ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंग्लैंड। ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंग्लैंड में स्थित जगह के नाम है। क्लियर। अल्फ्रेड टेनिसन्स मदर एलिजाबेथ फिच जिनकी जन्म जिनका जन्म 1781 में हुआ और 1865 में इनकी मृत्यु हुई, 80 ईयर ओल्ड में जब इनकी मृत्यु हुई थी, वॉज द डॉटर ऑफ स्टीफन फिच। ये स्टीफन फिच की डॉटर थी जिनका जन्म 1734 में हुआ, मृत्यु 1799 में हुई। विकार थी वो, विकार एक पद होता है सेंट जेम्स चर्च में, विकार के पद पर थी लाउथ में जो स्थित है इंग्लैंड में, और वो 1764 की बात है। एंड रेक्टर थी वो विथ काल की जो 1780 में रही, जो कि छोटा सा विलेज है जो हॉर्न कैसल और लाउथ के बीच में स्थित है। हॉर्न कैसल एंड बिटवीन द हॉर्न कैसल एंड लाउथ इट इज सिचुएटेड, द विलेज वाज सिचुएटेड बिटवीन हॉर्न कैसल एंड लाउथ। टेनिसन्स फादर केयरफुली अटेंडेड टू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ हिज चिल्ड्रन। बहुत ध्यान से टेनिसन के पिता ने अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा की, बस इनकी डिग्री इनको नहीं दिलवा पाए। अर्ली लाइफ में सम पॉइंट्स सम मोर पॉइंट्स आ गया। टेनिसन एंड टू ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स वर राइटिंग पोएट्री इन देयर टीन्स। अपने दो भाइयों के साथ इन्होंने भी सीखा पोएट्री को राइटिंग करना। एंड द कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय ऑल थ्री वाज पब्लिश्ड लोकली व्हेन अल्फ्रेड वाज ओनली 17। ये 17 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पोएम्स को पब्लिश किया। वन ऑफ दोज ब्रदर्स चार्ल्स टेनिसन टर्नर नाम था इनके भाई का, जिनके साथ इन्होंने अपनी पोएम्स को पब्लिश किया। लेटर मैरिड लाउसा सेलवुड, और फिर बाद में लाउसा सेलवुड से इन्होंने शादी की, द यंगर सिस्टर ऑफ अल्फ्रेड्स फ्यूचर वाइफ, अल्फ्रेड के फ्यूचर वाइफ की छोटी बहन चार्ल्स टर्नर ने। द अदर वॉज फेडरिक, दूसरा भाई इनका फेडरिक टेनिसन था, एंडर ऑफ टेनिसन्स ब्रदर, ये एक और भाई था टेनिसन का, एडवर्ड टेनिसन नाम था उसका, वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड संस्थागत रूप से एट प्राइवेट अजाइलम में रखा गया उसका, कुछ मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी इस वजह से। गुड इवनिंग गगन जी, वेरी गुड। आज शोर बहुत आ रहा है बाहर से, लेकिन आज की क्लास तो मैं खत्म ही करूंगा और फिर इसका कुछ इंतजाम करता हूं। आज बहुत ज्यादा शोर है बाहर से आ रहा, आप लोगों को शोर क्या मिल रहा है कि नहीं जरा आपको कमेंट करके बताएं, क्या आपको शोरगुल की आवाज आ रही है वहां। टेनिसन वॉज अ स्टूडेंट ऑफ किंग एडवर्ड 6th ग्रामर स्कूल लाउथ, ये स्टूडेंट थे वहां के। फ्रॉम 1816 टू 1820 ही एंटर्ड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, प्रवेश लिया उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में इन 1827, वेयर ही ज्वाइंड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड द कैम्ब्रिज अपोस्टल। कैम्ब्रिज अपोस्टल्स अ पोर्ट्रेट ऑफ टेनिसन बाय जॉर्ज फ्रेडरिक वॉल्स, ये ऊपर दिखाया था अभी हमने, इज अ ट्रिनिटी कलेक्शन, ये ट्रिनिटी कॉलेज के कलेक्शन में शामिल की गई इनकी पोर्ट्रेट को। एट कैम्ब्रिज टेनिसन मेट आर्थर हालम, वही इनकी मुलाकात हुई आर्थर हालम से, जिनकी याद में इन्होंने मेमोरियम लिखी, एंड विलियम हेनरी ब्रुकफील्ड से, ब्रुकफील्ड से भी इनकी मुलाकात वही हुई,
हु बिकेम हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड, और फिर वो उनके बहुत पक्के मित्र बन गए। हिज फर्स्ट पब्लिकेशन वॉज अ कलेक्शन ऑफ हिज बॉयस राइम्स, बचपनी बचकानी बचपन में लिखी गई, एंड दोज ऑफ हिज एल्डर ब्रदर चार्ल्स, ये इनकी कविता का कलेक्शन का नाम था। ये पूरा बचपन में, इन्हें 70 ईयर ओल्ड थे जब लिखा। एंटाइटल्ड पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, और फिर इसको टाइटल दिया गया पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, और पब्लिश किया गया 1827 में। क्लियर है? अब इनकी एजुकेशन और फर्स्ट पब्लिकेशन की बात करेंगे तो इन 1829 टेनिसन वाज अवार्डेड द चांसलर्स गोल्ड मेडल कैम्ब्रिज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद करके रखना है। चांसलर्स गोल्ड मेडल इनको दिया गया 1829 में, याद रखना ये। 1829 में टेनिसन को अवार्ड किया गया। देखिए रिवार्ड और अवार्ड में फर्क है, इनको रिवार्ड नहीं दिया गया था, अवार्ड दिया। रिवार्ड तो काम करने के पश्चात मिलता है, और अवार्ड चुना जाता है, ठीक है, चुन के इनको दिया गया। एट कैम्ब्रिज फॉर वन ऑफ हिज फर्स्ट पीसेस टिम्बकटू, कई पोएम्स में से जो टिम्बकटू इनकी पोएम थी उसके लिए इनको चांसलर्स गोल्ड मेडल दिया गया। और ये कई तरीके से पॉइंट आ सकता है, ये एयर पूछ सकता है चांसलर गोल्ड मेडल का, टिम्बकटू के लिए दिया गया ये पूछा जा सकता है। रिपोर्टेडली ऐसी रिपोर्ट्स हैं, इट वॉज थॉट टू बी नो स्लाइट ऑनर फॉर अ यंग मैन ऑफ 20 टू विन द चांसलर्स गोल्ड मेडल। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा सोचा जाता था कि कोई भी स्लाइट ऑनर नहीं था जो उस बच्चे को उस पोएम के लिए दिया जा सकता, इसलिए चांसलर्स गोल्ड मेडल ही दिया गया। साउंड बहुत ज्यादा आ रही हो तो कोई समस्या है क्या? समझ आ रहा है? ठीक है, अभी मैं कोशिश करूंगा, आस पड़ोस में थोड़ा बात करूंगा लोगों से, थोड़ा शांत रहे, नहीं तो मैं रूम चेंज करूंगा। ठीक है, वैसे बड़ा मुश्किल से सब कुछ सेटअप कर पाए हैं हम, तो कोशिश करेंगे आज सब बंद करने का। अभी खुला हुआ है थोड़ा, है खांसने वासने की आवाजें आ रही होंगी, तो थोड़ा सा मैनेज करना, आज ही केवल मैनेज करना, कल सब बंद हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में कुछ भी नहीं रहेगा। ही पब्लिश हिज फर्स्ट सोलो कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएम्स चीफली लिरिकल इन 1830, क्लैरिबल एंड मैरियाना, ये दो दो पोएम्स के नाम ऊपर आ चुके हैं। और ये कलेक्शन जो उन्होंने पब्लिश किया, फर्स्ट सोलो कलेक्शन, इसको याद रखना, ये पॉइंट 1830 याद रखना, फर्स्ट सोलो कलेक्शन इनका पब्लिश किया गया 1830 में, पोएम्स चीफली लिरिकल, और क्लैरिबल और मैरियाना, ये दो फेमस पोएम्स थी जो इसी में मेंशन थी, इंक्लूडेड थी। विच लेटर टुक द प्लेस अमंग टेनिसन मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम्स, और बाद में ये इतनी फेमस हुई, लोगों ने इनको पढ़ना शुरू किया और ये बहुत पॉपुलर हुई, और टेनिसन की सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड पोएम्स में से एक बन गई। वर इंक्लूडेड इन द वॉल्यूम, और ये इसी वॉल्यूम थी। ऑल्दो डिस्क्राइब्ड बाय सम क्रिटिक्स एज ओवरली सेंटिमेंटल, हिज वर्स सून प्रूव्ड पॉपुलर एंड ब्रॉट टेनिसन टू द अटेंशन ऑफ द वेल नोन राइटर्स, और इन्हीं पोएम्स की वजह से धीरे धीरे बड़े राइटर्स की कतार में ये आने लगे, और लोगों ने इनकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। और उस समय समर सैमुअल टेलर कॉलराइज बहुत फेमस थे, पोएट लॉरेट वर्सवर्थ के समकालीन थे कॉलराइज, और कॉलराइज लंबी उम्र जिए, कॉलराइज वर्सवर्थ के बाद तक रहे, और ये इनके समकालीन पोएट थे, किसके? टेनिसन के। इन द स्प्रिंग ऑफ 1831 टेनिसन्स फादर डाइड, 1831 में टेनिसन के फादर की डेथ हो गई, रिक्वायरिंग हिम टू लीव कैम्ब्रिज, और अब उनको कैम्ब्रिज छोड़ना पड़ा, और यही वो वजह थी कि इनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई कैम्ब्रिज की। बिफोर टेकिंग हिज डिग्री, अपनी डिग्री को बिना लिए वापस आ गए। टाइटल आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है, रिटर्न टू लिंकन शायर सेकेंड पब्लिकेशन एपिंग फॉरेस्ट, ये नाम था। देखें आगे, ही रिटर्न टू द रिक्टोरी, रिक्टोरी वापस आ गए ये, वेयर ही वॉज परमिटेड टू लिव फॉर अनदर 6 ईयर्स, जहां इनको इजाजत मिल गई और 6 साल रहने के लिए।
एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज विडोड मदर, और अपने पिता की मृत्यु के बाद जब ये वापस आए तो अपनी विधवा माँ के लिए बहुत सारे उत्तरदायित्व जो निर्वाह करने के लिए पिताजी छोड़ गए थे उन पर ध्यान दिया, एंड द फैमिली और परिवार के, क्योंकि ये बड़े थे और कर्ता धर्ता बन गए। आर्थर हैलम केम टू स्टे विद हिज फैमिली, आर्थर हैलम भी इनके साथ परिवार में रुकने के लिए आ गए ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में, एंड बिकेम एंगेज टू टेनिसन सिस्टर, और आपको मैंने बताया था ये बहनोई थे उनके, टेनिसन की बहन एमिलिया टेनिसन से एंगेज हो गए। क्लियर है ईच एंड एवरीथिंग? जॉन विलियम वाटरहाउस, ये था द लेडी ऑफ सैलोट का ये चित्र है, टेल ब्रिटेन लंदन में 88 में, ये द लेडी ऑफ सैलोट का चित्र है जो आप देख रहे हैं यहां पे, बहुत फेमस हुई थी इनका वर्क। इन 1883 टेनिसन पब्लिश्ड हिज सेकंड बुक ऑफ पोएट्री व्हिच नोटेबली इंक्लूडेड द फर्स्ट वर्जन ऑफ द लेडी ऑफ सैलोट। लेडी ऑफ सैलोट का बिल्कुल पहला पहला वर्जन आया लेडी ऑफ सैलोट का, कब आया? 1833 में। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द वायरू मेट हैवी क्रिटिसिज्म, पहले तो इसको बहुत ही आलोचना की गई, विच सो डिस्करेज्ड टेनिसन, और इस वजह से टेनिसन बहुत डिस्करेज्ड हो गया, हतोत्साहित हो गया, दैट ही डिड नॉट पब्लिश अगेन फॉर 10 ईयर्स, और फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई 10 वर्षों तक, अगले 10 वर्षों तक उसको पब्लिश करने की इनकी हिम्मत नहीं हो पाई, ऑल्दो ही डिड कंटिन्यू टू राइट, हालांकि इन्होंने लिखना उसको जारी रखा, लिखना बंद नहीं किया बल्कि पब्लिश नहीं किया उन्होंने इसको, वजह थी लोगों ने बहुत ही क्रिटिसाइज किया इसको। That same year, Hallam died suddenly and unexpectedly after suffering a cerebral hemorrhage. Hemorrhage की spelling कई बार exam में पूछी गई है, ये आप ध्यान रखना। HAE से शुरू होती है, HAEMORRHAGE, hemorrhage, रक्तस्राव, रक्तस्राव कहते हैं इसको, cerebral, दिमागी। While on holiday of Vienna, और ये समय था वियना में, ये holiday पे थे, Hallam's death had a profound effect, बहुत ही गहरा धक्का लगा इसको, on Tennyson and inspired several poems, और कई poems को उन्होंने लिख डाला उस दुख में, उस दुख की घड़ी में, including in the Valley of Cartridge. इन द वैली ऑफ कॉटरेज इनकी बहुत फेमस पोएम थी, ये इनकी मृत्यु के बाद लिखा, और फिर सबसे फेमस इनकी मास्टरपीस आई इन मेमोरियम, अ लॉन्ग पोएम डिटेलिंग द वे ऑफ द सोल, जिसमें वे ऑफ द सोल आत्मा का रास्ता की डिटेल दी हुई है। टेनिसन एंड हिज फैमिली वर अलाउड टू स्टे इन द रेक्टरी फॉर सम टाइम बट लेटर मूव्ड टू बीच हिल पार्क हाई बीच। टेनिसन और उनके परिवार पहले तो अलाउड थे स्टे रिक्टरी में, रिक्टरी वो स्थान जहाँ पे रहते थे, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, बट लेटर मूव्ड टू बीच हिल पार्क, और फिर बाद में इनका परिवार मूव कर गया बीच हिल पार्क को, हाई बीच में, डीप विद इन एपिंग फॉरेस्ट, बहुत गहराई में एपिंग फॉरेस्ट की जो स्थित है एसेक्स, अबाउट 1837। यहाँ पॉइंट बनेगा कि कब इन्होंने रेक्टरी से बीच हिल पार्क हाई बीच, जो एपिंग फॉरेस्ट के डीप में स्थित था एसेक्स में, कब इन्होंने वहां मूव किया, तो ये ईयर था 1837 का। टेनिसन सन रिकॉल्ड, याद करके हुए बताते हैं वो, देयर वॉज अ पॉन्ड, एक तालाब था वहां, इन द पार्क, उस पार्क में, ऑन विच इन विंटर माई फादर माइट बी सीन स्केटिंग, जहां मेरे पिता को अक्सर, उनके पुत्र ने कहा, जहां मेरे पिता को अक्सर स्केटिंग करते हुए देखा जा सकता था, सेलिंग करते हुए देखा जा सकता उस पॉन्ड में, अबाउट ऑन द आइस, और उस बर्फ पे, इन द लॉन्ग ब्लू क्लॉक,
इन द लॉन्ग ब्लू क्लॉक, क्लॉक माने होता है लबादा और ब्लू माने नीला और लॉन्ग माने लंबा। अपने लंबे लबादे को पहनकर उसमें स्केटिंग करते हुए और उस पॉन्ड में सेलिंग करते हुए उनको अक्सर देखा जा सकता है। ही लाइक द नियरनेस ऑफ लंदन, उनको लंदन की नजदीकी बहुत पसंद थी, मीन्स लंदन उन्हें बहुत पसंद था शहर। विदर ही रिस्टोर्ड टू सी हिज फ्रेंड्स, जहां उन्होंने अपने फ्रेंड्स को रिस्टोर कर रखा था, रिस्टोर करने का मतलब है दोबारा मिलना। बट ही कुड नॉट स्टे इन टाउन, लेकिन वो शहर में रुकना पसंद नहीं करते थे, इवन फॉर अ नाइट, एक रात भी। हिज मदर बीइंग इन सच अ नर्वस स्टेट, उनकी माँ बहुत ही नर्वस स्टेट में थी अपने पति की मृत्यु के बाद, टेनिसन के पिता के बाद, दैट ही डिड नॉट लाइक टू लीव हर, और इसी वजह से वो अपनी माँ को छोड़ना के लिए पसंद नहीं करते थे। टेनिसन बिफ्रेंडेड अ डॉक्टर एलन, एक डॉक्टर एलन थे, उनसे इनकी मित्रता हो गई, हु रैन अ नियर बाय अजाइलम, जो वहां पर पास में एक अजाइलम चलाती थी, हुज पेशेंट्स देन इंक्लूडेड द पोएट जॉन क्लेयर, जिनके पेशेंट्स में उस समय जॉन क्लेयर भी शामिल थे, कुछ मेंटली उनको डिस्टरबेंस थी, तो जॉन क्लेयर भी वहीं पर भर्ती थे। एन अनवाइज इन्वेस्टमेंट इन डॉक्टर एलन्स एक्लेसियास्टिकल वुड कार्विंग एंटरप्राइज सून लेड टू द लॉस ऑफ मच ऑफ हिज फैमिली फॉर्च्यून एंड लेड टू अ बाउट ऑफ द सीरियस डिप्रेशन। टेनिसन मूव्ड टू लंदन इन 1840 एंड लिव्ड फॉर अ टाइम फॉर चैपल हाउस टिकनम, टिकनम में कुछ दिनों के लिए ये रहे, चैपल हाउस में, चैपल हाउस टिकनम में। फिर से देख लें, एंड अनवाइज इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने इन डॉक्टर एलेंस एक्लेसिस्टिकल, बहुत ही एक्लेसिस्टिकल माने होता है बहुत ही पवित्र और खूबसूरत। वुड कार्विंग एंटरप्राइज, वुड कार्विंग, वुड माने लकड़ी और कार्विंग माने उसका आकार देना, सून लेड टू द लॉस ऑफ मच, और इस व्यवसाय में जो एंटरप्राइज उन्होंने शुरू किया, एंटरप्राइज शुरू किया, उसमें बहुत सारा इनके फैमिली का फॉर्चून लॉस में चला गया, मीन्स इनको पैसे का बहुत नुकसान हुआ, एंड लेड टू अ बाउट ऑफ सीरियस डिप्रेशन, और ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, इनको बहुत ज्यादा समस्याएं हो गई, दिमागी रूप से ये बिल्कुल परेशान हो गए। टेनिसन मूव्ड टू लंदन इन 1840, 1840 में ये लंदन चले गए, एंड लिव्ड फॉर अ टाइम एट चैपल हाउस टिकनम, टिकनम, चैपल हाउस टिकनम में ये कुछ दिनों के लिए रुके। जॉन क्लेयर वॉज अ पोएट, वॉज अ पोएट, कंटेम्पररी पोएट। थर्ड पब्लिकेशन की बात करेंगे, इन 1842 व्हाइल लिविंग मॉडेस्टली इन लंदन, टेनिसन पब्लिश्ड द टू वॉल्यूम पोएम्स, ऑफ विच द फर्स्ट इंक्लूडेड वर्क्स ऑलरेडी पब्लिश्ड एंड द सेकंड वाज मेड अप ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ न्यू पोएम्स। दे मेट विद इमीडिएट सक्सेस, पीपल सॉरी पोएम्स फ्रॉम दिस कलेक्शन सच एज लॉक्सले हॉल, ब्रेक 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 एंड यूलिसेस, ये सभी मास्टरपीसेस थी इनकी जो इस थर्ड पब्लिकेशन में पोएम्स थी। एंड न्यू वर्जन ऑफ लेडी ऑफ शैलट, और फिर से एक नया लेडी ऑफ शैलट का एक वर्जन इन्होंने निकाला 10 सालों के बाद, हैव मेट एंड्यूरिंग फेम, और इसकी वजह से इनको बहुत बेमिसाल फेम मिली। अगर क्लियर ना हुआ हो तो फिर से देख लें एक बार। इन 1842 थर्ड पब्लिकेशन जो इनका आया, तीसरी बार जो इन्होंने पब्लिश की चीजों को, उसमें लेडी शैलोट को नया वर्जन के साथ पब्लिश किया। पहली बार आपने याद है कि 32 में जब पब्लिश किया था तब उसको बहुत ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा था, इस वजह से दोबारा लिखते रहे, लेकिन लिखने के साथ साथ इन्होंने उसे पब्लिश नहीं किया और टू वॉल्यूम्स पोएम्स के नाम से निकाले, ऑफ विच द फर्स्ट इंक्लूडेड वर्क ऑलरेडी पब्लिश्ड, और पहले में तो पहले से ही जो पब्लिश्ड वर्क था वो था, और सेकंड वाज मेड अप ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ न्यू पोएम्स, और दूसरा जो संग्रह था उसमें लगभग सारी पोएम्स नई थी। दे मेट विद इमीडिएट सक्सेस, और इसको इनको बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई, उसी की वजह से पोएम्स
पोएम्स फ्रॉम कलेक्शन सच एज लॉक्सली हॉल, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये पोएम्स थी उसमें जो बहुत फेमस हुई और पूरी दुनिया में इनका नाम किया। हाँ संगीत, आप लेट हैं, और घर के काम धाम में लेट तो हो ही जाती है, महिलाएं क्या करें, बहुत जिम्मेदारियां रहती हैं आप लोगों पर, ठीक है, और बावजूद आप तैयारी कर रहे हैं, सैल्यूट मैं करता हूँ हमेशा आप लोगों को। तो क्लास देख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, लेट तो चलता है थोड़ा बहुत। इट वॉज इन 1850, लेट मुझे नहीं होना चाहिए, घंटा हमारा लॉस हो गया, मैं 3 बजे से क्लास लेने की सोचा था, और मैं सोचा था 2 बजे तक सारा काम सेट हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया, 3:30 बज गए, फिर हाफ एन आवर बचा, तो मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी, टेंस की कोई एक्सरसाइज मैंने तैयार नहीं की थी, जो आपको एक्सरसाइज करवानी थी आज, मैं बिल्कुल कोई काम नहीं कर पाया, और इस वजह से मैंने टॉपिक चेंज कर दिया, जिसमें जो पीपीटी मेरे पास तैयार थी मैंने उसी को लगा दिया, और मैंने सोचा कि ये टाइम को यूटिलाइज कर ले, और इसका टॉपिक तो हम बदलवा देंगे बाद में, ठीक है। प्रवासी बसंत जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भैया। इट वॉज इन 1850, 1850 की बात है, ये वो वर्ष है जब वर्सवर्थ अंतिम सांसें ले रहे थे, और वर्सवर्थ की मृत्यु हुई थी 1850 में, आप जानते हैं 23 अप्रैल 1850 को वर्सवर्थ की मृत्यु हुई। दैट टेनिसन रीच द पिनेकल ऑफ हिज कैरियर, उस समय टेनिसन अपने कैरियर के पिनेकल पे थे, चोटी पर थे, एपेक्स पे थे, उस समय अपने पिनेकल पे थे, समिट पे थे, आपको इसके सिनोनिम्स बता चुका हूं मैं, सिनोनिम्स मैं बता चुका हूं, समिट, एपेक्स, आप जानते हैं, क्रेस्ट, पैरामाउंट, है ना, टॉप, क्लाइमैक्स, ये सभी इसके सिनोनिम्स है। ऑफ हिज कैरियर फाइनली पब्लिशिंग हिज मास्टरपीस इन मेमोरियम AHH, आखिरकार इनको इनका जो मास्टरपीस था इन मेमोरियम उसको पब्लिश करने में सफलता पाई, जो डेडिकेटेड था हायलम को, और ये कब की घटना है, 1850 की, जिस वर्ष वर्सवर्थ की मृत्यु हुई उसी वर्ष इन्होंने अपनी सबसे बढ़िया पोएम, मास्टरपीस जिसको कहा गया, इन मेमोरियम AHH को पब्लिश किया। लेटर द सेम ईयर, उसी वर्ष, गेस्ट आए हैं, बढ़िया है, लेटर द सेम ईयर ही वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट, जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ ही वॉज अपॉइंटेड द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, सक्सीडिंग विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के तुरंत बाद। इन द सेम ईयर ऑन 13 जून टेनिसन मैरिड एमिली शेरवुड, और उसी वर्ष 13 जून को इन्होंने शादी कर ली एमिली सेलवुड से, ये नाम है इनकी पत्नी का, याद रखना आप लोग, होम ही हैड नोन सिंस चाइल्डहुड, जिनको ये बचपन से जानते थे, इन द विलेज ऑफ सिप्लैक, सिप्लैक विलेज में की रहने वाली थी, दे हैड टू सन्स, फिर दो पुत्र हुए उनके, हैलम टेनिसन, हैलम रखा था अपने दोस्त के नाम पर, पुत्र का नाम रखा था, जिसकी बर्थ हुई 11 अगस्त 1852 को, नेम्ड आफ्टर हिज फ्रेंड एंड लिनर लियोनेल, 16 मार्च दूसरा पुत्र जो हुआ लियोनेल, ये दो पुत्र थे, पहले पुत्र का नाम हालम रखा इसको, ये फ्रेंड के नाम पर था, और दूसरा पुत्र था लियोनेल, जिसका जन्म 16 मार्च 1854 को 2 साल बाद हुआ, यानी ये 2 साल उससे छोटा था। बढ़िया है, गेस्ट आए, खूब चाय पिलाओ, पकौड़ी खिलाओ सबको। टेनिसन रेंटेड फ्रेंच फोर्ड हाउस, फिर उन्होंने फ्रेंच फोर्ड हाउस को रेंट पर लिया, ऑन द आइल्स ऑफ विट, आइल्स ऑफ विट ये द्वीप है विट के, आइल्स, इन 1853, 1853 में, इवेंचुअली बाइंग इट इन 1856, और 3 साल बाद उसी हाउस को खरीद लिया इन्होंने। ही इवेंचुअली फाउंड दैट देयर वर टू मेनी स्टार स्ट्रक्स, स्टार स्ट्रक्स,
टूरिस्ट, वहां बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते थे स्टार ट्रक्स, हु पीजर पेस्टर्ड हिम इन फ्रेंच फोर्ड, जिन्होंने इन्हें पेस्टर्ड कर दिया फ्रेंच फोर्ड में, सो ही मूव्ड, पेस्टर्ड का मतलब होता है परेशान करना, सो ही मूव्ड टू एल्वर्थ, इसलिए वो एल्वर्थ को चले गए इन वेस्ट ससेक्स, जो वेस्ट ससेक्स में स्थित है, इन 1869 1869 हाउएवर ही रिटेन्ड फ्रेंच फोर्ड एंड रेगुलरली रिटर्न्ड देयर टू स्पेंड द विंटर्स, और फिर रेगुलरली आते रहे वहां अपने जाड़ों को बिताने के लिए। गुड इवनिंग आकांक्षा जी, पश्चिम बंगाल से आकांक्षा जी की गुड इवनिंग। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, असम से हैं आप अभी। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी अ फोटोग्राफ, ये या बाय रुडोल्फ इकमेयर जूनियर, द टाइटल इज अ क्योट फ्रॉम 1842 पोएम, ये ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स, ये टाइटल जो इस फोटोग्राफ का है, ब्रेक 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 कविता का है। याकांक्षा ऐप की बात मुझसे ना करें प्लीज, मैं पहले ही बता चुका हूं, डोंट टॉक अबाउट दैट। क्लासेस चल रही हैं और आप क्लासेस ले रही हैं और आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल जी, ऐसी में है ये राइटर छत्रपाल सिंह। टेनिसन विद हिज वाइफ एमिली, एमिली के साथ 1813 से 1896 तक जिनकी जन्म और मृत्यु है, और उनके पुत्र हैलम और लियोनन, ये दोनों पुत्र हैं उनके, फ्रेंच फोर्ड में लॉर्ड टेनिसन का रेजिडेंस है ये, ऑन द आइल्स ऑफ विट, ये जगह का नाम आइल्स विट, ये आपको बता चुका हूं जहां पे शिफ्ट हुए थे। हाँ भैया राजेंद्र जी कैसे हैं आप, खुश रहे आनंद करें। पोएट लॉरेट के रूप में विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1850 में अपने पद को छोड़ा और सैमुअल रोजर्स का रिफ्यूजल आया, तो टेनिसन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ पोएट लॉरेट इन 1850 आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ डेथ, एंड सैमुअल रोजर्स जिनका बड़ा नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ के समकालीन कवि हैं, उनका रिफ्यूजल आ गया कि मैं नहीं लेना चाहता इस पद को। टेनिसन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजिशन ऑफ पोएट लॉरेट, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एंड लाई हंट हैड ऑल्सो बीन कंसिडर्ड, इनके नाम के बारे में भी सोचा जा रहा था कि पोएट लॉरेट इनको बनाया जाए, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो कि इनके समकालीन है और लाई हंट ये भी इनके समकालीन है, हैड ऑल्सो बीन कंसिडर्ड, ही हेल्ड द पोजिशन अंटिल हिज ओन डेथ, अपनी खुद की मृत्यु के तक इन 1892 तक ये बने रहे, 92 तक ये पोएट लॉरेट रहे। द लॉन्गेस्ट टेनर ऑफ एनी लॉरेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल के सामने आया, ये 1850 से 1892 यानी 42 इयर्स तक ये पोएट लॉरेट रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, समझ गए। और लाय हंट, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और सैमुअल रोजर्स ये और वर्ड्सवर्थ इनके समकालीन थे, कंटेम्पोररी थे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। हैड आल्सो बीन कंसीडर्ड, हाँ, द लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ एनी लॉरेट, किसी भी राष्ट्र कवि का ये सबसे लंबा पद था। टेनिसन फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस पोजीशन बाय टर्निंग आउट एप्रोप्रिएट बट ऑफन अनइंस्पायर्ड वर्सेस, टेन्योर इनका जो था वो किस तरह का रहा, टेनिसन ने पूरी किया, भर दिया उस स्थान को, उन रिक्वायरमेंट्स को, उन आवश्यकताओं को ऑफ दिस पोजीशन जो उस पोजीशन पे थी, कैसे, बाय टर्निंग आउट अप्रोप्रिएट, बिल्कुल उपयुक्त लेकिन ऑफन अनइंस्पायर्ड वर्स, इनकी ऑफन ये वर्सेस जो थी वो अक्सर जो लिखते थे वो इंस्पायरेबल नहीं थी, बाकी ये अप्रोप्रिएट थे, इनका काम था कि ये कविताएं लिखते शासन के सत्ता के पॉलिटिकल इश्यूज पे कविताएं लिखते, राष्ट्र कवि थे तो ये कविताएं तो लिखते रहे लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड वर्सेस नहीं थी,
such as a poem of greeting to Princess of Alexandria of Denmark. Princess Alexandria of Denmark, ये पोएम लिखी इन्होंने when she arrived in Britain, जब ब्रिटेन को आई। यही तो राष्ट्रकवियों का काम होता था कि भाई कोई नेता आ रहा है तो उसके स्वागत में गीत लिखना है, ठीक है। To marry the future king Edward, Edward sixth, seventh, Edward seventh से शादी करने के लिए प्रिंसेस अलेक्जेंड्रिया ऑफ डेनमार्क आई। अल्फ्रेड टेनिसन की पोर्ट्रेट है ये कैमर के द्वारा, पी कैमर ने इसको बनाया था। आगे पढ़ें, टेनिसन इनिशियली डिक्लाइंड अ ब्रॉन्टेसी, अ मेंबर ऑफ लोएस्ट हेरार्की, हेरिडिटरी टाइटल ब्रिटिश ऑर्डर विद द स्टेटस ऑफ अ कॉमनर बट एबल टू यूज द प्रीफिक्स सर। इनको एक उपाधि दी गई ब्रॉन्टेसी की, बैरन बनाया गया ब्रॉन्टेसी की, कि आप बैरन हैं, और जो बैरन लोग होते थे उनको सर लिखना, जैसे डॉक्टर की उपाधि दी जाती थी वैसे ही बैरंटेसी की उपाधि इनको दी गई। ये उन्होंने ठुकरा दिया उसको, उसको नहीं लिया। इन 1865 एंड 1868 व्हेन टेंडर्ड बाय डिजरली फाइनली एक्सेप्टिंग द पियरेज इन 1803, पियरेज को एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने एट ग्लेडस्टोन में, अर्नेस्ट सोशलेशन था इनका। In 1884, Victoria created him Baron Tennyson, और फिर Victoria ने इनको Baron बना ही दिया, of Alworth की, in the country of the Sussex, जो Sussex की एक जगह है Alworth, वहाँ की, and of fresh water in the Isles of the Wight, इन दोनों जगहों की। He took his seat in House of the Lords, जैसे हमारे यहाँ हाउस ऑफ द कॉमन्स ये है लोकसभा, और हाउस ऑफ द लॉर्ड्स ये है राज्यसभा जिसमें लोग चुने जाते हैं, तो ये उसके सदस्य भी रहे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के। टेनिसन आल्सो रोट अ सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ अनऑफिशियल पॉलिटिकल वर्सेस, मैंने अभी बताया पॉलिटिकल वर्सेस लिखने के लिए इनसे कहा जाता था और ये लिखते थे। तो सब्सटेंशियल क्वालिटी ऑफ अनऑफिशियल पॉलिटिकल वर्सेस उन्होंने लिखी फ्रॉम वेलिकोस, फ्रॉम राइफलमैन, फ्रॉम ये टाइटल था, ऑन द फ्रेंच क्राइसिस ऑफ 1859, जो फ्रेंच क्राइसिस हुआ उस पर टॉपिक था वो, उस पर लिखा इन्होंने। क्या लिखा, द क्रिएशन ऑफ द वॉलंटियर फोर्स, ये टॉपिक था जिस पर इन्होंने पोएम लिखी। टू स्टीयर्स मैन Be not precipitated in thine act of steering. Steersman, steer माने होता खेना, खेने वाले, आगे बढ़ाने वाली चीजों को। Be not precipitated in thine act of steering, आपके steering के act में। Deploring Gladstone's Home Rule Bill, Tennyson's family were Whigs by tradition and Tennyson's own politics. फिटेड द विग, अ पोलिटिकल पार्टी थी विग जो स्थापना की थी इन्होंने पार्लियामेंट के इंग्लैंड में, उसका शेप दिया इन्होंने। ऑल्दो ही वुड आल्सो वोट फॉर द लिबरल पार्टी, हालांकि ये खुद लिबरल पार्टी को वोट देते थे। आफ्टर द विग डिसॉल्व, जब विग डिसॉल्व हो गई, विग खत्म हो गई। मुझे थोड़ा सा अनईजी लग रहा है, मैं पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन मैं इस क्लास को अभी मैं खत्म करना चाहता हूँ, इस क्लास को खत्म करूंगा और रात की जो क्लास होगी उसका टाइम थोड़ा सा मैं बढ़ा लूंगा 3 घंटे का, ठीक है। मैं चीज़ों को अरेंज कर लूँ, ठीक है, बहुत चीज़ें थोड़ी सी बिखरी हुई हैं, तो अभी इस क्लास में इतना ही और आगे की क्लास मैं आज ही शुरू करूंगा और लगभग 3 घंटे की क्लास होगी जिसमें थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस मैं सही कर लूँ और फिर मैं नए सिरे से क्लास लेता हूँ। Thanks for watching, my dear.